नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं सरोज झा, जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। आज हम इनसे बात करेंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर, दिल्ली प्रदेश में जेडीयू की क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, और जनता से किस तरह से समर्थन ले रहे हैं और जनता से किस तरह से संपर्क कर रहे हैं उसको लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के दयानंद राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से जेडीयू की क्या नीतियां चल रही हैं प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में? देखिए, दयानंद राय जी जब से प्रदेश में अध्यक्ष बने हैं, तब से युवाओं में, खास करके युवाओं में बड़ा जोश है, इसलिए कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही जोशीले हैं, और उसी जोश को देखते हुए बहुत सारे युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है, और हम लोग बहुत सारे विधानसभा में जा रहे हैं, खास करके जो पूर्वांचली लोग बिलोंग करते हैं जिस विधानसभा में, उस विधानसभा को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और उस टारगेट में हमारे बहुत सारे ऐसे विधानसभा हैं जिसमें अध्यक्ष से लेकर के हम लोग वार्ड तक की जो है पूरी जो विधानसभा की एक वो होनी चाहिए, परिवेश होना चाहिए, उस वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, पूरे मीडिया को दिखेगी कि जदयू कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दयानंद राय जी के अध्यक्षता में, आदरणीय संजय झा जी प्रभारी हैं हमारे, उनके नेतृत्व में यहाँ पे दिल्ली में जो है हम लोग अच्छा काम करेंगे और अच्छी तरीके से उभर के आएंगे। जैसे कि आपने पूर्वांचल बाहुल जो इलाका है वहाँ पे आपके द्वारा कहा गया कि वहाँ पे जो चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा, तो क्या अगर जो कैंडिडेट की बात जहाँ पे आती है, क्या आप जहाँ पे पूर्वांचल समाज के वहाँ पूर्वांचल समाज का ही कैंडिडेट उतारोगे या किसी अन्य समाज का? देखिए, टेक्निकल बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग जो हैं, जो हमारी पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है और हम पूर्वांचली है, तो लोग कनेक्ट जो होंगे वो पूर्वांचली ही कनेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूर्वांचली लोगों को ही टिकट देंगे या पूर्वांचली लोगों को ही पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। टिकट तो जो भी लोग हैं, जो उस टाइम पे जो हमारी नेतृत्व है, वो नेतृत्व तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये अभी हम आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारी बातें चेंज हो जाती है, तो चुनाव के समय में जो हम लोगों की जो पार्टी की एक सिस्टम है, और पार्टी अपने सिस्टम से वो चुनाव में लोगों को टिकट देगी, और इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ पूर्वांचल के ही लोगों को टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे पार्टी से, जो हमारा आइडियोलॉजी है पार्टी का मेन, वो आइडियोलॉजी से अगर मेल खाते हैं, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको टिकट दिया जाए। सर, पूर्वांचल समाज जिसके ऊपर पिछले कुछ समय से कुछ क्या नाम है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कभी उनको महाराष्ट्र से भगा देना, गुजरात से भगा देना, दिल्ली में भी उनके ऊपर कुछ बयानबाजियां आती हैं, आखिर पूर्वांचल समाज कब तक ऐसा अन्याय सहता रहेगा, और दयानंद जी के द्वारा पूर्वांचल के समाज को क्या सहयोग दिया जा रहा है इस पर? देखिए, जहाँ भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोगों ने कंडक्ट किया है। हम लोग यहाँ पे पुतला दहन भी किया था, चाहे आप मध्य प्रदेश की घटना देखें, गुजरात की घटना देखें, उन लोगों को हम, जो प्रदेश के लोग हैं, जो हमारी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने पुतला दहन भी किया था। तो ऐसा नहीं है पूर्वांचली, देखिए एक ये है कि एक पूरा देश में एक ऐसा चल पड़ा है कि भाई पूर्वांचली, हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग तो बिहार के पूरे देश के वासी हैं, देश के लोग हैं, बिहार से आए हैं यहाँ, काम रोजगार के चक्कर में लोग यहाँ पहुँचे हैं, काम कर रहे हैं अपना, लेकिन इस देश, ये पूरा देश जो है ना वो भारत है, हिंदुस्तान है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि जब हम पार्टी फोरम पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ हम लोग पूर्वांचलियों की बात करते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की, जिस तरीके की बात गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ, अगर ऐसी कोई बात होती है तो जदयू पार्टी सामर्थ्यवान है, जदयू पार्टी के कार्यकर्ता सामर्थ्यवान हैं, जो भी नेता इस तरीके के कार्य करेंगे उनका पुतला दहन, उनका घेराव, उनके जो यहाँ पे लोकल पार्टी के कार्यालय है वहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहेगा, और हम लोग जो वहाँ के सरकार हैं जो प्रदेश में, उन तक बात पहुँचाएंगे कि इस तरीके की घटना ना हो।
सर, जैसे कि देखा गया है दिल्ली में जगह जगह, हर जगह अलग अलग जगहों पे पूर्वांचल मोर्चा के अलग अलग पूर्वांचल मोर्चा गठित किया जा रहा है, पूर्वांचल लोग जो है अलग अलग संस्थाओं में बंटने लगे हैं, तो इससे आगामी जो विधानसभा चुनाव आएंगे जेडीयू को इससे कोई नुकसान नहीं होगा? दयानंद जी, किस तरह से सबको एकजुट करने में सक्षम होंगे, किस तरह से एकजुट लाने में कामयाब होंगे? देखिए, ये मसला तो है जो आप बात क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग कहीं ना कहीं एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, और जो हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं उसका फायदा दूसरे लोगों को मिल रहा है, सच्चाई है, इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी पार्टियां, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं आपके चैनल पे, लेकिन जो भी पार्टियां पूर्वांचल मोर्चा बना करके बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों से सेंटीमेंट से खेल रही है। और हमारी जो पार्टी है, एक्चुअल में अगर पूर्वांचलियों की पार्टी देखा जाए तो जदयू है। जदयू कहीं ना कहीं, हम लोग बिहार में, हमारी सरकार है, और हम पूर्वांचली, यहाँ जो आप वोटर देखते हैं वो पूर्वांचली वोटर हैं जो हम लोगों से बिखर गए हैं, और उसको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित होने में कामयाब भी हुए हैं। और दयानंद राय जी के नेतृत्व में और आदरणीय संजय झा जी के नेतृत्व में, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी पूर्वांचल के यहाँ पर नेता हैं, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर संजय झा एक महीने, अगर दो महीने कैंप कर दिए ना, ये सारे पूर्वांचल के जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो नेता हैं, वो संजय झा जी के पास आकर के बोलेंगे कि आप ही हमारे नेता हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं, वो बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो दयानंद जी का जो दिशा निर्देश है हमारे पार्टी के लिए, और जिस तरीके से हो रहा है, हम लोग सबको एकत्रित करने में लगे हुए हैं और एकत्रित करेंगे, बात चल रही है, सब लोगों से मिल भी रहे हैं, सब लोगों के पास जा भी रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, नीति और नियत क्या है। हम लोग जिस तरीके से सरकार चलाए हैं बिहार में, अपने नीति और नियत से समझौता करके चलाए नहीं, तो उसी नीति और नियत को लेकर के जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो नीति रहा अभी तक, जो कार्यशैली रहा, उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी का एक सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, और अब तक आप कितने सदस्यों को पार्टी में जोड़ चुके हैं, कितने लोगों को जेडीयू की तरफ खींच चुके हैं? देखो, देखिए, लाखों लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता जो हैं हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। आए दिन आप पार्टी ऑफिस पे आएंगे, देखेंगे यहाँ 100 के संख्या में रोज़ यहाँ पे लोग आते हैं, पार्टी के सदस्यता ले रहे हैं। और एक कैलकुलेट जो डेटा की आप बात कर रहे हैं, और कैलकुलेट डेटा है नहीं, बहुत जल्दी हम लोग जो है वो डेटा भी आप लोगों के सामने रखेंगे, आपके चैनल के पे रखें। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आगामी 2020 विधानसभा चुनाव की जेडीयू की प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी के नेतृत्व में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां हैं, हम लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हमारे शीर्ष में जो नेता लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं आदरणीय संजय झा जी, और जो अध्यक्ष हैं दयानंद राय जी, वो जैसे दिशा निर्देश हम लोगों को देंगे, उसी दिशा निर्देश पे हम लोग पूरे, जो उनके सिपाही हैं, हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हम लोग तैयार बैठे हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से आदेश आए और उसी आदेश पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने सरोज झा जी से दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि आगामी विधानसभा की इनकी पूरी तैयारी है, जैसे ही ऊपर से इनका जैसे आदेश आएगा उस हिसाब से ये लोग अपना आगे का कार्य में लग जाएंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि दयानंद राय जी जब से जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से सभी पूर्वांचल समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। फिलहाल आप बने रहिए होमकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।